नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिटल। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंग्रेजी शराब व बियर का बड़ा जखीरा हुआ बरामद। लॉकडाउन के चलते अवैध शराब का काला कारोबार जोरों पर। खबरों में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की, जहां एक तरफ कोरोना जैसी महामारी ने कोहराम मचा रखा है, वहीं दूसरी तरफ अवैध शराब कारोबारियों की मानो लॉटरी खुल गई हो। पुलिस कप्तान विक्रांत वीर सिंह लगातार अवैध शराब के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर शराब कारोबारियों की नाक में नकेल डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शराब कारोबारी हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अवैध शराब के अभियान को सफल बनाते हुए अजगैन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुए नगर पंचायत कार्यालय के पास गुमटी के पीछे शराब कारोबारी शांति स्वरूप दीक्षित पुत्र प्रेम शंकर निवासी रंजित खेड़ा थाना अजगैन के पास से 120 कैन किंगफिशर बियर व अंग्रेज शराब की 18 अद्दी ब्रांड 8 बजे अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर शांति स्वरूप लॉकडाउन में शराब को लाकर महंगे दामों में बेचता था। समाचार टू जेड के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। महोदय के कुशल निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे अवैध शराब के विरुद्ध अभियान में सर्किल हसनगंज के अंतर्गत थाना अजगैन में चौकी इंचार्ज नवाबगंज जितेंद्र यादव और उनकी टीम द्वारा कस्बा नवाबगंज के पास से एक व्यक्ति शांति स्वरूप दीक्षित पुत्र स्वर्गीय प्रेम शंकर दीक्षित को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 5 अदद कार्टून किंगफिशर व 8 अदद अद्दी पाउच अवैध शराब बरामद की गई है, जिस पर संबंधित थाने के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जा रही है।